दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का उपयोग झोपड़ी से लेकर 5 स्टार 7 स्टार होटलों में या 7 स्टार व्यक्ति तक हर एक व्यक्ति इसका उपयोग करता है और दिन में 4 बार उपयोग करता है। और इस प्रोडक्ट का उपयोग दुनिया के हर कोने में होता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं और जितने कम लोग सोचते हैं उतने ही कम लोग इस बिजनेस को कर पाते हैं, बल्कि इस बिजनेस के बारे में लोग सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि इस बिजनेस बराबर कमाई शायद ही किसी और प्रोडक्ट में हो। और आज मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट में कोई भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें कोई भी टैक्स ही नहीं लगता, टैक्स फ्री बिजनेस है। और इस बिजनेस को करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट इससे बनाएंगे वो महज 1 रुपये किलो व 1 रुपये से कम रुपए में भी आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और मार्केट में 20 रुपया किलो कम से कम बिकता है, लेकिन अगर आप आधे रेट में 10 रुपये किलो भी देते हैं तो भी आपकी इतनी सेल होगी कि आप बनाकर दे नहीं पाएंगे, मतलब जितना आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसके पहले ही ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, इतनी ज़्यादा सेल वाला ये प्रोडक्ट है। और दोस्तों इसमें अद्भुत फायदा है, करोड़ों लोग मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए महीने तक इस बिजनेस से कमाती हैं, लेकिन हम जैसे सामान्य आदमी इस बिजनेस को करने के लिए सोच ही नहीं पाते हैं या कि हमारी सोच वहां तक जाती नहीं है। और मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे टाटा हो या अंबानी हो, कोई भी कंपनियां हो, सभी लोग इसका बिजनेस करते हैं और इससे अंधाधुंध कमाई करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, बिजनेस आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे कमाई होगी और इसको कैसे पैकिंग करना है और इसको बेचकर आप कैसे कितना कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहिए जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके इस बिजनेस की। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ साल्ट की, नमक के बिजनेस की। नमक का बिजनेस हमारे बीच में बहुत ही कम लोग करते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही इसका बिजनेस करती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि आप भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। और आपको नमक मैं बताऊँगा कि कहाँ आपको 1 रुपये किलो या 1 रुपया से भी कम में ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो भी आपके घर आ जाएगा अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 90 पैसे पर किलो में भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये नमक आपको अगर ख़रीदना है तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जाएंगे, आप गूगल में जाएंगे और डालेंगे कॉमन साल्ट, या कि फिर इंडिया मार्ट डाल देंगे तो इंडिया मार्ट की जब वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ पे डालेंगे कॉमन साल्ट प्राइस। जब आप कॉमन साल्ट प्राइस डालेंगे तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि 900 रुपया टन, 1100 रुपया टन, 1200 रुपया टन में ये आपको मिलता है। 1200 रुपये टन मतलब 1 रुपये 20 पैसा पर किलो, 900 रुपये टन मतलब 90 पैसे का 1 किलो। और इसकी आपको पैकिंग करके इसको मार्केट में आप 20 रुपये किलो भी बेच सकते हैं, बहुत सी कंपनियां बेचती हैं, लेकिन मैं आपको 20 रुपये में नहीं बोलूँ बेचने के लिए, क्योंकि आपका नया बिजनेस है और मार्केट में अगर आपको अपने पैर जमाने हैं तो आप जितना रेट में लोग बेच रहे हैं उसके आधे रेट में भी देंगे तब भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इस बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ एक सीलिंग मशीन लेने की ज़रूरत है जो कि मात्र 700, 800, 1000 में मिल जाती है। और उसके अलावा आपको एक पन्नी लेनी पड़ेगी पैकिंग करने के लिए। तो दोस्तों पहले आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आपको ये कॉमन साल्ट डालेंगे तो आ जाएगा, पिसा हुआ कॉमन साल्ट आप मंगवा सकते हैं 90 पैसे पर किलो, मैं मान लेता हूँ 1 रुपया पर किलो आप इसको मंगवा सकते हैं। उसके बाद आप डालेंगे इंडिया मार्ट में ही कि आपको प्रिंटेड पाउच चाहिए या प्रिंटेड पाउच फॉर साल्ट पैकिंग यूजेस, मतलब नमक में यूज करने के लिए आपको पैकिंग के लिए पन्नी चाहिए। तो आप जब डालेंगे तो वहाँ पे 100 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी सस्ते में दे रहा है अच्छी पैकिंग आप उससे ले लें, लेकिन खाली पैकिंग ना लें, प्रिंटिंग पाउच ही लें, क्योंकि शुरू में ज़्यादा पैसा ना फंसाएं, आप डायरेक्ट किसी कंपनी से प्रिंटिंग पाउच ले लें और प्रिंटिंग पाउच आपको 20 पैसे 30 पैसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे में आपको बड़े आराम से
मिल जाएगा और उसको आप मंगवा लें घर और एक एक किलो तौल के और एक किलो और आधा किलो की पैकेट, पाँच किलो की भी पैकेट आप उसको तौल के पन्नी में रख के और सीलिंग मशीन से उसको सील कर देंगे। सील करने के बाद इसका आप रेट रख देंगे, क्योंकि अगर आपको 10 रुपये में बेचना है तो उसकी MRP 20 रुपये आप रखिए, 30 रुपये भी रख सकते हैं MRP, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें कोई टैक्स आपको देना नहीं है एक पैसा, क्योंकि ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट है। और उसके बाद आप बहुत बड़े स्केल में अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके आसपास के शहर हैं, आसपास का गांव है, आसपास का क्षेत्र है, सिर्फ अगर वहां भी आप करना चाहें, अगर वहां भी आप करते हैं तो आप 6 से 20 लाख रुपया महीना बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर आप थोड़ी ही मेहनत करेंगे इस बिजनेस में तो बड़े आराम से 6 से 20 लाख रुपया महीना से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो पहला इसको बेचने के लिए, इसको बिजनेस को करने के लिए आपको पहले नमक खरीदना पड़ेगा, फिर आपको पाउच खरीदना पड़ेगा, प्रिंटेड पाउच। जब आपका बहुत बड़े स्केल में काम हो जाए तो आप खुद की कंपनी का पाउच छपवा लें, नहीं तो आप रेडीमेड पाउच लेके और अपनी कंपनी का नाम रख के आप उसे मार्केट में शुरू में सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद की कंपनी का पाउच बनवा लें, क्योंकि पाउच जो बनेगा वो इकट्ठा बनेगा, 1000 पैकेट 10000 पैकेट ऐसे बनेंगे पाउच। तो आप पहले इन्हीं पाउच में यूज करिए। और एक आपको 700 की सीलिंग मशीन लेना होगा और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से भी आप हैं तो GST का रजिस्ट्रेशन चूँकि शुरू में लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें टैक्स ही नहीं लगता। अगर इसके साथ आप और कोई दूसरा काम करना चाहें तो GST का आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि 2 या 3 हज़ार में हो जाता है। पर इस बिजनेस के लिए आपको GST का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों इसमें सिर्फ आपको FSSAI का लाइसेंस बनवाना है, जो कि आपका 1000 रुपये में बड़े आराम से बन जाता है, 500 से 1000 के बीच में FSSAI मतलब फूड एंड सेफ्टी का लाइसेंस होता है। ये आपका मात्र 500 से लेके 1000 के बीच में एक साल के लिए आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आपको पैकिंग करके और बेचना है। अगर आप खुद नहीं बेचने जाना चाहते हैं मार्केट तो आप एक लड़का रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितनी पेमेंट लेगा, 7000 8000, मैं कहता हूँ 10000 रुपये आप पेमेंट देंगे तब भी उस लड़के से आप 2 से 3 लाख रुपया से भी ज़्यादा एक लड़के से कमा सकते हैं। इस तरह आप अगर चाहें तो और भी कई लड़के रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा लड़के ना रखें और शुरू से धीरे धीरे काम स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे ही काम बढ़ता जाए उसी हिसाब से काम आप बड़ा करते जाएं। तो पहला हो गया कि आपका ऑफलाइन बिजनेस, दूसरा ऑनलाइन भी हो गया। ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, ऑनलाइन में मैं बहुत सारी वीडियो मेरे पड़ी हैं चैनल में कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, 50-100 कंपनियां, अगर आप 10 कंपनी भी कर सकते हैं तो कम से कम 2 से 4 टन का ऑर्डर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और ऑफलाइन तो ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रोडक्ट को 10 टन डेली बेचना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप 10 टन छोड़ दीजिए, मात्र अगर आप 2 टन भी बेचते हैं तो आपको कम से कम 20000 रुपये डेली की आपको बचत होगी, मतलब 6 लाख रुपया महीना। अगर आप 10 टन बेचते हैं तो आपको 50 लाख रुपये महीने भी कमाई हो सकती है, 20 टन भी बेचते हैं तो और भी ज़्यादा कमाई होगी, 20 टन में भी आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। लेकिन अभी मैं बहुत कम का बता रहा हूँ कि आप अगर 2 टन भी बेचते हैं तो भी आपको हर खर्चा काटने के बाद 17000 रुपये डेली की कमाई हो सकती है। और ये नमक हर व्यक्ति यूज करता है, आप एक लड़के को रख के और उससे बोलेंगे कि मार्केट में कराओ तो वो डेली आके कम से कम आपको 2 टन का एक लड़का ऑर्डर दे देगा। और इस तरह करके दोस्तों आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है और लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि ये बिजनेस हम कैसे करें, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके की प्रोसेस करके लाया हूँ जिसमें से आप इसको, इस काम को करके, पूरी प्रोसेस को करके आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कमाती हैं और कोई भी काम असंभव नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव वे में काम करने से ही काम आगे बढ़ता है, लोगों को सक्सेस मिलती है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका मात्र 1 से 1.5 रुपया खर्चा आएगा और 20 रुपया में भी बिक सकता है, कम से कम अगर 10 रुपये में बेचेंगे तब भी 8.5 रुपये पर किलो, मतलब कितने गुना ज़्यादा कमाई होती है आप खुद ही समझ सकते हैं। और इतनी कमाई दोस्तों, आप 10 लाख रुपया अगर किसी बिजनेस में आप लगाते हैं तो 10 लाख रुपया में भी आपको इतनी कमाई नहीं होगी जितना इस बिजनेस में आपको कमाई हो सकती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं।
और आपको नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ इस बिज़नेस में मिल सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस को बहुत ही कम लोग करते हैं। इसलिए आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे बड़े लेवल में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस आइडिया मैं अपने YouTube पर हमेशा लाता रहता हूं। तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी रिप्लाई देने का पूरा प्रयास अपना करता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।